हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा को धीरे धीरे अपडेट कर रहा है, जिससे नतीजों में पारदर्शिता को खतरा पैदा हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का कहना है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी रुझानों को जानबूझकर धीमी गति से साझा किया जा रहा है। इससे ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकारों का हनन कर रही है और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित भी कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो नतीजों को तेजी से और सही तरीके से ही साझा करें, ताकि मतदाता और जनता का विश्वास बना रहे। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा के मतदाता नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों के बीच अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार के दिन बीजेपी पर हमला किया था। कांग्रेस आईटी सेल के महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार के दिन बीजेपी पर जम्मू कश्मीर चुनाव में बहुमत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी इस तरह का भयावह खेल खेल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनके पास ऐसा कहने के लिए स्पष्ट जानकारी और आधार भी है। बीजेपी जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस गठबंधन को चुना है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद का कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हार के खतरे को देखते हुए बहुमत के साथ छेड़छाड़ करने का भयावह खेल खेल रही है। वो त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद में है, ताकि उन्हें जोड़ तोड़ करने में मदद मिल सके। बीजेपी ने अपनी स्वघोषित चाणक्य नीति के पुराने तरीकों का सहारा लिया है। इससे पहले कांग्रेस के सहयोगी नेशनल कांग्रेस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही मुद्दा उठाया था, जिस पर उन्हें गृह मंत्री कार्यालय से कड़ा जवाब भी मिला था। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों के फैसले को नकारने के लिए सत्ता का गलत उपयोग कर रही है। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के फैसले को नकारने के लिए सत्ता का गलत और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ऐसे नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता का आधार क्या था, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी मुख्यमंत्री की शक्तियां कम करने और सरकार के कामकाज में कटौती होने का दावा किया था। उनका दावा था कि केंद्र से मुख्य सचिव को इस काम पर लगाया गया कि ताकि आने वाली सरकार की शक्तियों में कटौती की जा सके। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने इस पर कड़ा बयान जारी कर इसे भ्रामक और अटकलों वाला करार दिया था। आपको बता दें कि इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और अभी बीजेपी आगे चल रही है, और इसी बीच नतीजों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ये सारे आरोप जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के नेता है, उनके लगाए हुए हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसा अनुरोध किया है कि वो नतीजों को देरी से और सही तरीके से साझा करे, ताकि मतदाता और जनता का विश्वास बना रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।